अच्छा तो परेशानी यहां है। तुम यहां क्या कर रही हो? बेचारी। हेलो, कैसी हो तुम? नहीं, मैं बस आ रहा हूं, बस एक छोटा सा काम और है। हाँ, बस मैं एक पाइप की जांच कर रहा हूं। ओ, आज काफी रोमांटिक बातें कर रही हो। तुम मेरे लिए कुछ बनाकर रखो और तब तक मैं कुछ पीने के लिए लेकर आता हूं। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा मूड अच्छा है। तो कहाँ हैं सब लोग? ये गैस काम नहीं कर रही, पिछले 10 मिनट से इसे जलाने की कोशिश कर रही हूँ। काम करनी तो चाहिए, मैंने पानी गर्म किया था। जॉन को ऑफिस में कॉल करके देखती हूँ, तब तक तुम चाहो तो ये खा सकते हो। कोई बात नहीं। तो बच्चे किधर है? जरा एक मिनट रुकना, माइकल बोल रहा हूँ। क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर से कहो। निकोल, क्या कहा? हाँ बेटा, जरा इधर आओगी? क्या हुआ? तुम कहीं जा रही हो? मैं एलेक्स के साथ बीच पर जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आराम से बात करो। तुमने टर्बाइन्स के बारे में जो कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, जरा दोबारा बोलो। निकोल रुको, सुनो, वहाँ चल क्या रहा है? बीच का पानी तो ठीक है ना? एक मिनट रुकना विल, चिंता मत करो, लैम्प्रीज इंसानों पर हमला नहीं करती। हाँ। मछलियों की बात अलग है, मजाक कर रहा था। अच्छी कहानी थी डैड, अब मैं जा सकती हूँ। ठीक है, अपना फोन ऑन रखना, क्योंकि हो सकता है कि काइल बाद में आकर तुमसे मिले। ठीक है, बाय। हाँ ठीक है, ठीक है। देखो सब लोगों को बुला लो, मुझे टर्बाइन्स के पास मिलो, फिर देखते हैं कि उसमें क्या परेशानी है। 10 मिनट में हाँ पहुँच जाऊंगा। डैम की टर्बाइन्स नहीं चल रही है। तो उसका तुमसे क्या लेना देना? अभी तक तो पता नहीं। ये एलेक्स कौन है? एक लड़का जिससे वो मिली थी। सिर्फ एक दिन हुआ है और उसे लड़का भी मिल गया? देखो अगर उसे दोस्तों से हम इसी तरह अलग करेंगे तो ऐसा ही होगा। हाँ सुना है मैंने। और जोल का क्या हुआ? उसने 2 महीने पहले ही जोल से ब्रेकअप कर लिया था। डैड डैड, देखिए मैंने क्या पकड़ा। अरे वाह, क्या बात है। हे देखिए, ये एक बड़ी ट्राउट है, अच्छी है ना? ओ माइकल, इस पर लैम्प्री चिपकी हुई है। यकीन नहीं हो रहा, क्या बात है। देखिए इसको कितनी चोट लगी है। आप ठीक कहते हैं डैड, ये तो बहुत कूल है। ये देखो, ये बहुत घिनौनी है, इसे कहीं बाहर ले जाओ। आज का दिन अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं तुम्हें भूख लगी है, मैं भी भूखा हूं, लगता है यहां मछली है ही नहीं। देखो इन्हें बाहर निकालना काफी मुश्किल है ना? इसलिए इन्हें पकड़ना हो तो यहाँ से पकड़ो, सर के पीछे से, ऐसे सुरक्षित रहने के लिए। डैड, क्या मैं आपके ऑफिस चल सकता हूँ?
ठीक है तो कल चलना मेरे साथ। ठीक है। गुड बॉय। देखो इसे। नहीं। सुनो तुम इसे रखना चाहोगे? ठीक है। ठीक है हमें इसे टैंक में रखना होगा। एक टैंक मेरे ट्रक में है, इसे हमेशा ढककर रखना वरना ये बाहर निकलेगी और भाग जाएगी। बहुत ही अच्छा पालतू दिया है तुमने, बहुत ही अजीब सी चीज है। बस भी करो। हेलो। हेलो। हाय, क्या बात है। हाँ क्या ये ईल है? नहीं ये ईल नहीं है, ये लैम्प्रीज हैं। ये ओ, तुम क्या करते हो? तुम फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस में हो क्या? क्या बात है, तुम इन सारी चीजों के बारे में जानते हो? थोड़ा बहुत। हाँ। ओ, तुम सच में जानते हो? हाँ। मैं एलन हूँ, मैं उस तरफ, हाँ उस तरफ रहती हूँ। अच्छा। हाय हाय, मैं हूँ केट। बिस्किट्स, शुक्रिया। और ये है मेरे पति माइकल। ओ, मुझे लगा मैं आपको आकर हाय कह दूं। अच्छा किया आपने। सबका यहाँ स्वागत है। आप बाकी बहुत अच्छी हैं, अच्छा लगा। कितनी प्यारी बात है। मैं आपको सावधान रहने के लिए भी कहने आई थी क्योंकि पिछले हफ्ते टेड जॉगिंसन गायब हो गया था और उसे कोई ढूंढ नहीं पाया और सबको लगा कि किसी भेड़िए ने उस पर हमला नहीं, किया नहीं, था। परेशान मत हुई, हमें कुछ नहीं होगा, है ना माइकल? हाँ, पर सावधान रहने में हर्ज क्या है? ठीक कहा। सावधान रहना अच्छा है। एक बात बताओ, हम यहाँ सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों के लिए आए हैं। आप लोग कभी भी मेरे पूल में आ सकते हैं, कभी भी। उसे अपना ही पूल समझिए। शुक्रिया। कितनी अच्छी बात है, मुझे नए पड़ोसी मिल गए। हाँ, अच्छी बात है। इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया। मजे उठाइए। आने के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे, ध्यान रखना, आती रहना। बाद में मिलते हैं। लगता है इसका दिल तुम पर आ गया। हाँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सब मुझ पर मरते हैं। सही कहा। तो ठीक है, आज डिनर तुम्हें लाना पड़ेगा क्योंकि गैस काम नहीं कर रही। फ्राइड राइस चलेगा? हाँ नहीं, ठीक है, कुछ अच्छा ले आऊंगा। वहाँ वहाँ और वहाँ से भी पूरा ढांचा टूट रहा है और लीक हो रहा है। कोई भी डैम 10 या 20 सालों तक ठीक रहता है। सबसे बड़ी परेशानी तो टर्बाइंस की है, लैम्प्री आबादी की नहीं। एक बार वो साफ हो जाएगी और पानी बहने लगेगा तो लैम्प्रीज पार नहीं कर पाएंगी। और फिर मुझे कहते हुए दुख हो रहा है मिस्टर पार्कर, आपका यहाँ आना पूरी तरह बेकार हो जाएगा। मुझे परेशानी बताओ। परेशानी टर्बाइंस में नहीं है मार्सी, इस झील में लैम्प्री आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैंने मिस्टर पार्कर को यहाँ बुलाया है क्योंकि ये एक विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है कि आप मामले को यूं ही बढ़ा रहे हैं, ये बस मछली ही तो है। आए हाय, ये कितने बदसूरत है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो रिच, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। ऐसा मत करो, मुझे पसंद नहीं है। नहीं, मत करो प्लीज। ऐसा मत करो। पर क्यों? पहले मुझे इनकी जांच करनी होगी। मरी हुई लैम्प्री ही हमारे लिए अच्छी है, कहा है वो? दोस्तों आप लोग मिस्टर पार्कर को थोड़ी इज्जत दिखाइए, वो बहुत दूर से आए हैं। देखो इतनी लैम्प्रीज यहाँ पर आनी नहीं चाहिए, यहाँ रुकावट बनाई है ना? हाँ, वेलोसिटी बैरियर्स लगाए हैं, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। और वो फिर भी अंदर आ रही है? हाँ, देख कर तो ऐसा ही लगता है। इस मुश्किल का हल तो ढूंढना पड़ेगा। माफ कीजिए मिस्टर एक्सपर्ट, माना आपको ज्यादा पता है लेकिन आज का काम हो गया ना? माफ करना, मिच नाम है ना तुम्हारा? नहीं, मेरा नाम रिच है। रिच। रिच, अगर कोई परेशानी ना हो तो मैं फिर भी गिनना चाहूंगा। और देखो मरे हुए जीवों को वापस पानी में मत फेंकना। मैं तो कहता हूँ कि ये जाए भाड़ में, खत्म करो इन्हें, झील में बम फोड़ दो। सुबह सुबह लैम्प्रीसाइड की महक की बात ही कुछ और है। माफी चाहता हूँ, ये मजाक कर रहा है ना? हाँ, पिछली गर्मियों में जब लैम्प्रीसाइड इस्तेमाल की थी तब तो असर हुआ था। मुझे पता है कि तुम मजाक कर रहे हो, पर तुम्हें बता दूं कि लैम्प्रीसाइड्स बड़े जीवों पर काम नहीं करती, सिर्फ अंडों पर करती हैं। नहीं नहीं, वो काम करती है, हमेशा काम करती है। हम लोग सिर्फ बातें करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? ठीक है, पानी से बाहर निकलो और उसे चालू करो, देखते हैं क्या होता है। बहुत बढ़िया,
ऐसा लगता तो नहीं कि ये बहुत सारी हैं, लेकिन अगर इनकी आबादी बढ़ी तो हमें तैयार रहना होगा, खासकर अगर टर्बाइन की मुश्किल हल नहीं हुई तो। क्या लगता है काम करेगा? पर आखिर ये है क्या? एक स्टन बोट, आबादी को कम करने या उस पर काबू रखने के लिए हम इसे पानी के बहाव के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब जोर का झटका धीरे से लगे। मजाक कर रहा हूं यार, चलो चलता हूं। इनकी आबादी कम करने के लिए हम स्टन बोट का इस्तेमाल करेंगे और फिर लहरों के रास्ते में एक रुकावट बनाकर आने वाली पीढ़ियों को डैम से दूर रखेंगे। उसकी जरूरत सिर्फ प्रजनन के मौसम में पड़ेगी और उसकी ताकत इतनी कम होगी कि उसे दूसरे जीवों पर असर नहीं पड़ेगा। इसे बहुत ध्यान से करना होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई ताकतवर स्टन बोट लैम्प्रीज की पूरी आबादी को खत्म करने के लिए काफी होगी। मैं समझ रहा हूं, हमें इसके लिए कोई और कारगर रास्ता निकालना होगा। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कैसे हो? लो, सांप की बात की और सांप आ गया। दोस्तों, क्या हाल है? आइए। वाह, सुबह सुबह झील पर उगते हुए सूरज की परछाई देखने से अच्छा कुछ भी नहीं। सच कह रहा हूँ, इससे अच्छी सुबह हो ही नहीं सकती। मैं सच कह रहा हूँ ना? कैसे हैं मेयर? हाय। हेलो। मुझे लगता है तुम जरूर फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से हो, सही कहा ना? सर, मैं माइकल पार्कर हूँ। मैं ब्रूस आर्टमैन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। पर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे मेयर कहो। ठीक है। वैसे आने वाले अगले 3 साल तक ये नाम मेरे साथ रहेगा। तो बताओ क्या चल रहा है? टर्बाइन सब काम कर रही है। अच्छी बात है, पर क्या उससे लैम्प्रीज की मुश्किल हल होगी? हो जाएगी मेयर। अगर यहाँ और लेक मिशिगन में लैम्प्रीज की आबादी को काबू में रखना है तो उसके लिए टर्बाइन्स का चलना बहुत जरूरी है। बेवजह परेशान हो रहे हो, दुनिया में इससे बेहतर फिशिंग के लिए जगह और कोई नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जी सर, बिल्कुल। क्या आपको टेड के बारे में कुछ पता चला? नहीं, नहीं। तो क्या ख्याल है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन? अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है सर। हाँ, देखो, मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है, पर मैं ऐसे शहर का मेयर हूँ जहाँ के लोग गर्मियाँ बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और मैं अपने सैलानियों को गंवा नहीं सकता। ये एक बहुत ही छोटा सा शहर है और हमें कमाई की सख्त जरूरत है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मेयर, पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि पूरी आबादी को खत्म करने के लिए 2 दिन काफी नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम 2 दिन में इस काम को, नहीं नहीं, 1 दिन में ये काम कर लो, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एक शानदार सा डिनर करवाऊंगा। मजा आएगा। तो क्या कहते हो, कहीं तुम वेजिटेरियन तो नहीं हो? दरअसल यहाँ के होटल्स में वेजिटेरियन खाना उतना अच्छा नहीं नहीं, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ सर। मेरे जाने का वक्त हो गया है। आपको सुनना ही नहीं। मैं अच्छा ये कह रहा था कि मिलते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि लैम्प्रीज लेक मिशिगन में घुस सकती है? अगर आबादी पर काबू नहीं पाया तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। पर वो तो लगभग 52,000 स्क्वायर किलोमीटर चौड़ी है। ये तो पागलपन है। हाँ, चलो ऑफिस वापस चलते हैं और खाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। आओ चलें। से गलत पकड़ा है। बिल्कुल नहीं, मैं सेल्फी क्वीन हूँ। रानी साहिबा, मुझे फोटो खींचने दो। बहुत ठंडा है। कितने बुरे हो तुम। क्या कर रही हो यार? वैसे फोटो अच्छी आई है। Bye.
क्या तुम गुम हो गए हो दोस्त? तुम्हारा नाम क्या है? अरे कितने प्यारे लग रहे हो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा स्कूटर। चलो आ जाओ। तुम्हारा भाई है ना? अब जाओ इसे पकड़ो। ओ हाँ। स्कूटर! स्कूटर! काफी खुश दिख रहा है। हाँ थोड़ा अजीब सा है। सच में? मतलब बुरा नहीं है पर हमेशा अकेला ही रहता है। मेरे डैड उसके फेवरेट हैं पर डैड तो कभी घर पर ही नहीं होते। उसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है? नहीं नहीं। ये लो। अभी अभी तो हम आए हैं यहाँ। स्कूटर! मैं दोस्ती कर लूंगा। सच में? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी एक अच्छा दोस्त चाहिए। कितना स्वीट हो तुम। स्कूटर! स्कूटर आ जाओ दोस्त। स्कूटर! स्कूटर! कायल तुम ठीक हो? शायद मैंने अपना चश्मा कहीं गिरा दिया है। अरे फिक्र मत करो दोस्त, मैं ढूंढ कर लाता हूँ। वो डॉग जिसके साथ मैं खेल रहा था स्कूटर, वो गुम हो गया है, उसे चोट आई होगी। चलो हम ढूंढते हैं। तुम्हारे पैर पर खून लगा है। ओ, ये क्या? ये कहाँ से आया? ये मेरा खून नहीं है, ये लगा कहाँ से? ये मछली का खून है। एलेक्स पानी से बाहर आओ। हेलो, तुम्हें मेरा चश्मा मिल गया। मंदिर का क्या हुआ? नहीं मिला मुझे। ठीक है, ये मछलियों का खून है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो निकलते हैं। चलो काय। मुझे लगता है कि कुदरती शिकारी ना होने की वजह से लैम्प्रीज की आबादी इतनी बढ़ चुकी है, पर एक डैम है जो लेक शालावोइस को बाकी नदियों से अलग करता है, उससे शायद हम उन पर काबू कर पाए। ये खबर अच्छी तो है पर लैम्प्रीज कूद सकती है। हाँ पर उतना ऊंचा नहीं। दीवार कितनी ऊंची है? अलग अलग जगहों पर ऊंचाई अलग है। हर हालत में पानी के स्तर को 10 फुट से नीचे ही रखना। लैम्प्रीज इतना ऊंचा नहीं कूद सकती। सच में मेरे गर्दन पर एक घाव का निशान है जो कुछ और ही कहता है। वो लोगों पर हमला करती है? कुछ प्रजातियां काफी आक्रामक हो सकती है, अगर उनके इलाके में खाना खत्म हो जाए तो वो भूख मिटाने के लिए किसी पर भी हमला कर सकती है। हाँ काफी दिलचस्प है, शुक्रिया। बिल्कुल, उन्हें बस आगे मत बढ़ने देना। हाँ बिल्कुल, आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ निकी। हेलो। हुआ मेरे पैरों पर मछलियों का खून लग गया था डैड। क्या कहा तुमने? बहुत ही गंदा था, पानी में मरी हुई मछलियाँ और लैम्प्रीज थी। अच्छा अच्छा, तो कितनी थी वहाँ पर? पता नहीं पर बहुत सारी थी। ओ बेटा मुझे दुख है कि तुम्हें वो सब देखना पड़ा। ठीक है मैं जाकर जांच करता हूँ। क्या आप घर आ सकते हैं? बेटा मैं भी नहीं आ सकता, बहुत काम है। मुझे पता है तुम डरी हुई हो पर वो सिर्फ मछलियों पर हमला करती हैं, ठीक है? अगर भूख बहुत ज्यादा हो तभी वो इंसानों पर हमला करेंगी। देखो बेटा मैं रखता हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ घर पे शाम को, ठीक है? अगर मुझे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, यकीन करो, ठीक है? हेलो, जी थैंक यू सर। ये थे हमारे मेयर साहब, वो कह रहे थे कि खबर आई है कि बहुत सारी मछलियाँ किनारे पर मरी हुई मिली हैं। हाँ मेरी बेटी ने मुझे अभी बताया, वो भी घावों से भरी हुई। ये लैम्प्रीज का ही काम होगा है ना? ऐसा लगता तो है, पर झील में कितनी लैम्प्रीज होंगी? पता नहीं, पहले मुझे लगा थोड़ी बहुत ही होंगी, मुझे लगा वो सिर्फ झील में फैली हुई है।
जो भी हो, हमें यह जांच करनी होगी कि रुकावटों और टर्बाइंस के बावजूद ये इधर उधर कैसे जा रही हैं। रिच सब संभाल लेगा। रिच, मैं संभाल लूंगा। तो कैसी हो तुम? मेरे साथ तुम घूमने चलोगी? नहीं बेवकूफ, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। देखता हूँ कि उनकी आबादी कितनी बढ़ी है। फिक्र मत करो, वो सारी रिपोर्ट ले आएगा। हमें ये देखना होगा कि वो इधर उधर कैसे जा रही हैं। चलो। ठीक है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वैसे मैं साथ चल सकती हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। शुक्रिया मर्सी। ठीक है बेवकूफ। उसे ऐसा लगता है जैसे उसको सब पता है, मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। हाँ, वो इधर से उधर जा रही है। ऑपरेशन बचाव इस तरह खत्म हुआ। हो गया। अब इतने काम के बाद कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। अरे यार, सारी मछलियां कहां गई? लगता है लैम्प्रीज ने एक भी नहीं छोड़ी। जरा वो देखो, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उनके खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यहां के हर जीव को खा डाला उन्होंने, या शायद डरा के भगा दिया। वो वहां से यहां क्यों आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने मुंह के चूषकों से तभी इतनी मेहनत करती हैं जब उन्हें घोंसला बनाना होता है। वो बस खाना ढूंढ रही हैं। ऐसे में ये लैम्प्रीज काफी खतरनाक साबित हो सकती है। मुझे लगता है वो वहां भी वही कर रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो डैम में छेद कर देंगे, फिर हमें कोई और योजना बनानी होगी। वो तो रिच की नाव है। पर रिच आखिर कहाँ है? हेलो हेलो। देखा मैंने कैसे उल्लू बनाया। मैं हूँ रिच, अपना मैसेज छोड़ दीजिए। वो तो फोन ही नहीं उठा रहा। मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड सैनिटेशन में काम करता था, एक हफ्ते पहले वो गायब हो गया। हाँ मैंने सुना था। क्या नाम था उसका? टेड ना? योर्गेंसन। हाँ, पहले तो लगा कि वो किसी काम से बाहर गया है, पर मेरी बहन ने कहा कि उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। क्या मतलब? मुझे नहीं पता, पर उसका ट्रक मिला था, उसका पता नहीं चल पाया। चलो रिच की नाव से चलते हैं। ये खून है क्या? जल्दी इसे सीधा करते हैं। अरे क्या हुआ? उसे खींचो मत, उसे खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, खींचो मत, नहीं नहीं नहीं, खींचो मत, खींचो मत। ये तो बहुत ताकत लगा रही है। ऐसी रहना, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। ऐसी की तैसी इसकी। विल बोल रहा हूं, उन्हें रिच मिल गया, उसका शरीर मिला है। क्या हालत बना दी है तुम्हारे चेहरे की।
हेलो, हाँ ये कॉर्नर्स का ऑफिस है। हाँ मैं जिम बोल रहा हूँ। मैं फिश एंड वाइल्ड लाइफ से माइकल पार्कर बोल रहा हूँ। आपके यहाँ पर एक शव आया होगा जिस पर निशान है काफी। हम चाहते हैं कि आप उससे दूर रहे जब तक हम नहीं पहुँच जाते। हेलो हेलो, मैं चाहता हूं कि आप कॉर्नर्स के ऑफिस तुरंत पहुंचें। ओह रिच, मुझे तुम्हारे लिए दुख है। बेचारा। इधर आइए मेयर, माइकल मृत शरीर के साथ अंदर इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, ये क्या हो गया जिम? ये इसके शरीर पर इतने निशान? घाव है। किसके घाव? लैम्प्रीज के। ये नामुमकिन है, इतने सारे? इसके तो पूरे शरीर पर घाव है। लेकिन वो अंदर कैसे आई? यहां तो रिच की लाश ही लाई गई थी। तो मतलब वो उसके अंदर के हिस्सों को खा रही थी? शायद। मेयर, हमें झील बंद करनी होगी अभी। ये तो बस शुरुआत है, अभी हमारे सामने और भी बड़ी मुश्किल है। बड़ी मुश्किल? मुझे लगता है जिन लैम्प्रीज ने रिच और कॉर्नर को मारा है वो रिंग कर नाली में चली गई हैं। पाइप्स के अंदर? हाँ, शहर का पानी बंद करना होगा इसी वक्त। पानी बंद करना होगा? क्या कहा? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरी मांग थोड़ी बड़ी है, पर तुम शहर का पानी बंद करना चाहते हो, वो भी कुछ नन्ही ईल्स की वजह से जो दो घंटे में मर जाएंगी। लैम्प्रीज 14 सालों तक जिंदा रहती हैं, और एक लैम्प्री एक ही वक्त पर 1,00,000 अंडे दे सकती है। इन जीवों को पाइप्स में नहीं होना चाहिए, किसी एक को भी नहीं। चलो मेरे ऑफिस चलते हैं, जहां हम आराम से बैठकर बातें करेंगे। यहां अजीब सी बदबू आ रही है। ठीक है, इतनी लैम्प्रीज आखिर आई कहां से? तुमने मुझसे कहा था कि तुम हालात को एक दिन में काबू कर सकते हो। नहीं नहीं, एक दिन आपने कहा था, मैंने कहा था मुझे और वक्त चाहिए। अब मुझे ये पता लगाना होगा कि लैम्प्री की कितनी आबादी, नहीं तो हम उन्हें काबू नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं या फिर एक हफ्ता। इतना वक्त मैं नहीं दे सकता, पर मुझे झील की जांच करने के लिए वक्त चाहिए। सुनो मिस्टर पार्कर, यकीन दिलाता हूं कि लोगों की सुरक्षा मेरे लिए जरूरी है, पर मैं सैलानियों से मिलने वाली कमाई को गंवा नहीं सकता। तुम्हें काम जल्दी निपटाना होगा। इन छोटे मोटे घाव से क्या फर्क पड़ेगा? ये आपको छोटा मोटा घाव दिख रहा है सर? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए मेयर। मैंने आज तक इतनी ताकतवर और आक्रामक लैम्प्री कभी भी नहीं देखी है, और वो इतनी तेजी से खून चूसती है कि मैं बता ही नहीं सकता। क्या हुआ, हंसने की क्या बात है? तुमने कभी लैम्प्रीज खाई है? वो इतनी खराब नहीं होती, बस उन्हें काफी चबाना होता है। यूरोप में उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। शायद हमें अपना नजरिया बदलना होगा, तभी हमें इस मुश्किल का हल मिलेगा। इन लैम्प्रीज ने हम पर हमला किया? नहीं 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 नहीं, ये नामुमकिन है। अच्छा ये बताओ, हम कर क्या सकते हैं, बोलो। ठीक है, ये हम हैं शालावॉय काउंटी, ठीक है, और ये है जॉर्डन नदी का डैम। अब वो डैम के पास इकट्ठे पानी में पाइप के जरिए घुस रही होंगी, और अगर वो ऐसे ही डैम में घुसती रही तो वो शालावॉय झील में पहुंच जाएंगी। फिर वहां से वो बहुत आसानी से राउंड लेक और पाइन रिवर की रुकावटों को पार करके मिशिगन तक पहुंच जाएंगी, जहां उन्हें रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा, और फिर वहां से नहरों के जरिए
वो मिसिसिपी में पहुंच जाएंगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। जब तक इस मुश्किल का हल नहीं मिल जाता तो हमें नदी को, झील को और पानी के दूसरे स्रोतों को बंद करना होगा। हम बीचेस को कुछ वक्त के लिए बंद कर सकते हैं और पानी भी कुछ देर के लिए। डैम को ठीक करने के लिए पूरी मेहनत करो और लैम्प्रीज को बाहर निकालने का कोई तरीका जल्द ढूंढ निकालो। क्या आपका दिमाग खराब है? रिच और कॉर्नर मर चुके हैं और आप लोगों से ये कहेंगे कि वो पानी में जाके मौज मस्ती ना करें और पानी बंद करेंगे सिर्फ एक या दो घंटे के लिए? ये लैम्प्रीज बहुत तेज हैं, ये ताकतवर हैं और इंसान के खून की प्यासी हैं। अब आप पत्रकारों को बुलाइए और लोगों को पानी से दूर रहने को कहिए। तुमने जहर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तुम्हारा काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहर सिर्फ अंडों पर काम करता है। तो फिर ज्यादा इस्तेमाल करो। अब जा सकते हो। मुझे लैम्प्रीज पकाने के और तरीके ढूंढने होंगे। जाओ जाओ जाओ। मेयर का दिमाग खराब हो गया, हमें ही पत्रकारों के पास जाना होगा। लोगों की जान खतरे में है। ठीक है, पर मैं जरा रिच के घर जाकर आता हूँ। मुझे उसके परिवार वालों से मिलना होगा। ठीक है, और आप भी अपने घर पर बात कर लीजिए, वो चिंता कर रहे होंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। बाद में मिलता हूँ। हेलो, मुझे नंबर चाहिए। ऐसा करिए, आप मेरी चैनल 6 से बात करवा दीजिए। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। लैम्प्री संक्रमण हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा फैल चुका है। हमें शोलोबॉय झील के इलाके को खाली करना होगा। हमारा सामना जिन लैम्प्री से हो रहा है वो आज तक की लैम्प्री से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमारी सलाह है कि आप किसी भी तरह के पानी के स्रोत से दूर रहें। बोतले पानी में भी जिंदा रह सकती हैं और बहुत ही कम नमी वाले जमीन पर भी रेंग सकती हैं और पानी के नल से भी दूर रहे, वो पानी के पाइप्स में घुस चुकी है। हाय माइकल, तुमने कॉल किया था और मैं तुम्हें टीवी पर भी देख रही हूँ। खतरा है, ये लैम्प्रीज भूखी है और तुम घर भी आ गए और उन्हें हर कीमत पर खाना। क्या हुआ है? लंबी कहानी है। ये बताओ, काइल की लैम्प्री कहाँ है? मुझे नहीं पता, हमें उसे ढूंढना होगा। काइल, तुम यहाँ आओगे बेटा? ये क्या हो रहा है? फिश और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट पानी से इस खतरे को निकालने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और इस बीच हमारी सलाह है कि आप हर तरह के ताजे पानी के स्रोत से दूर रहें, जिसमें आपके घर का नल भी शामिल है। देखिए, ये लैम्प्रीज काफी भूखी हैं और साथ ही साथ काफी खतरनाक भी हैं। इसका मतलब है कि आपको गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए इस बार कहीं और जाना होगा। ना समझ। गुड आफ्टरनून, ये फिश एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। मुझे जॉश फ्रीमन से बात करनी है। माफ कीजिएगा मेयर, वो इस वक्त ऑफिस में नहीं है। वो जैसे ही आए मुझसे बात करने के लिए कहो। मुझे बस इतना ही कहना था। और वो रिच, वो अभी नहीं मिला? नहीं, वो मर चुका है। मॉम, डैड, मेरी लैम्प्री कहाँ है? देखो बेटा, सुनो, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी लैम्प्री मिलते ही हमें उसे मारना होगा। नहीं, वो मेरी दोस्त है। मुझे पता है बेटा, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जाओ ढूंढो उसे जल्दी। हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुम लोगों की टिकट बुक कर दी है। एक मिनट, हमने तो इस बारे में बात नहीं की थी। पता है केट, पर मुझे ठीक नहीं लग रहा। वो लैम्प्री कहाँ है? मैंने उसे खुद ही मार दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छे। यहाँ से जाना जरूरी है क्या माइकल? जरूरी नहीं होता तो जाने के लिए नहीं कहता। बहुत अच्छा किया तुमने। निकोल, तुम अपना सामान पटापट। ये सब क्या चल रहा है? कैसे मिस्टर पार्कर, मैं हूँ एलेक्स। एलेक्स, तुम आखिर मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे हो? डैड, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था कि ये आ सकते हैं, लेकिन मैंने दरवाजा बंद करने के लिए नहीं कहा था ना। हम दोनों बस बैठे हुए थे। तुम अभी लड़कों की सोच नहीं जानती।
तुम निकलो यहाँ से। जी सर। एलेक्स रुको। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, उसे जाना ही होगा। आपने मेरे सारे दोस्तों को मुझसे छीन लिया और अब आप मुझे नए दोस्त भी नहीं बनाने दे रहे हैं। अपना सामान पैक करो, तुम निकल रही हो। ये ठीक नहीं है। निकोल, तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाना था ना, तो तुम अब जा सकती हो, ठीक है? पर एलेक्स और अभी मैं... मिली हो। मेरे पास ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, जैसा कहता हूँ वैसा करो प्लीज। आप बहुत बुरे हैं डैड, मैं आपसे नफरत करती हूँ। हाँ हाँ मालूम है। काश ये सब करने से पहले तुम एक बार मुझसे बात कर लेते तो अच्छा होता। तुम जानती नहीं कि हालात कितने। विल का कॉल है, मुझे बात करनी होगी। वो तो करनी ही होगी। केट तुम भी ना इधर आओ। विल बताओ क्या हुआ। माइकल बहुत सारी हैं। वो टर्बाइंस में से आ रही हैं, रुकावटों के ऊपर से सीधे शालावॉय झील में। अच्छा ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं, जल्दी कीजिएगा। अब मेरे साथ चलो और बिल्कुल भी आवाज मत करना, समझ गए? कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? केट, देखो मुझे जाना होगा। मैं बाकी की जानकारी तुम्हें बाद में देता हूं। तुम्हें खाना चाहिए। की कोशिश करते हैं। हमारे डैड तो बहुत डरपोक हैं। बस कुछ लैम्प्रीज ही तो हैं। हाँ वो शायद बहुत ज्यादा डर रहे हैं। वही तो, यकीन नहीं होता वो तुम्हें यहाँ से बाहर भेज रहे हैं। हाँ पर मैं नहीं जाऊंगी, ओके? क्योंकि ये मेरी लाइफ है, उनकी नहीं। मुझे ऑर्डर देने वाले वो कौन होते हैं? एक मिनट रुको, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? मिस्टर पूल्स पूल क्लीनिंग। हाय एलेक्स, एलेन बोल रही हूँ, कैसे हो तुम? हे मिस एलेन, कैसी हैं आप? तो मेरे पूल में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं सोच रही थी कि क्या तुम यहाँ आकर उसे जरा ठीक कर सकते हो? हाँ मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बढ़िया, और मैं उस वक्त घर पर नहीं रहूँगी, पर कुछ देर बाद आ जाऊँगी। हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा ठीक है, बढ़िया। बाद में मिलती हूँ। हे निकोल, सुनो ना, क्यों ना मैं खुद आके तुम्हें पिक कर लूं? तुम्हारी पड़ोसी मिस एलेन, मैं उनका पूल साफ करने आ रहा हूं और वो घर पर नहीं है, तो हम दोनों स्विमिंग पूल के मजे ले सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं तुमसे वहीं मिलती हूँ। उम्मीद है तुम्हें रेड वाइन पसंद आए एलेक्स। फ्लाइट आज शाम के, हमें जल्दी करना होगा। मैं डैड के साथ रह सकता हूँ? नहीं बिल्कुल भी नहीं। पर उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ रह सकता हूँ। कायला बस भी करो, आज झील के पास एक डॉग मेरा दोस्त बना था, मैं बीच पर जा सकता हूँ। क्या नहीं, पानी लैम्प्री से भरा हुआ है। पर डैड ने कहा वो कुछ नहीं करती। हाँ लेकिन अब डैड कुछ और ही कह रहे हैं। आप डैड को झूठा बोल रही हैं? बस भी करो। समझिए मॉम, वो डॉग मेरा दोस्त है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे कोई पसंद नहीं करता।
मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ, मैंने इसकी आदत डाल ली। हो काइल, सब तुम्हें पसंद करते हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से कहो। आई लव यू। क्या? आई लव यू। एक बार फिर से कहो। आई लव यू मॉम। लव यू। ओह कितने प्यारे हो तुम। हाँ उन्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ। हम बीच पर भी तो जा सकते थे। नहीं नहीं, मैं मछलियों के खून में नहीं तैरने वाला। क्या कर रहे हो? डरपोक कहेंगी। चिंता मत करो, वो यहाँ नहीं है, वैसे भी वो बूढ़ी है। पर वो उतनी बूढ़ी भी नहीं। हेलो मिस एलन, देखा यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, ये पूरा घर अब हमारा है। अब कौन डर रहा है? अच्छा ऐसी बात है, रुको। ये लो। निकोल सामान पैक किया, निकोल सामान पैक किया, निकोल। काइल तुमने अपनी बहन को देखा? हाय मैं हूँ निकोल, ज्यादा जरूरी है तो मैसेज छोड़ दीजिए। हे निकोल मैं हूँ, तुम इस वक्त कहाँ हो? निकोल, बाहर निकालो। इसे हुआ क्या? मुझे नहीं पता। आजा ऊपर आजा। जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाओ, पुलिस को फोन करो, जल्दी जल्दी फोन करो। ये क्या हो गया? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जल्दी फोन करो। 911, what's the emergency? अरे वाह, बाकी सब दूर भाग रही हैं। हाँ ऐसा मानते हैं कि मरी हुई लैम्प्रीज से दूसरी दूर भागती हैं, उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चलो अब निकलते हैं। तुम दोनों जल्दी से गड्ढों की मरम्मत करो, मैं लैम्प्रीज को एक खास इलाके की तरफ ले जाता हूँ ताकि उन्हें बिजली के झटके से मार सके। अरे ये क्या मेयर है? तुम माइकल, तुम्हारी छुट्टी हो गई, निकल जाओ। क्या कहा? सुना नहीं तुमने? निकल जाओ। टीवी पर तुम्हारी बकवास ने पूरे शहर को बुरी तरह डरा दिया। तुम्हारे तरीके बकवास हैं, वो काम नहीं करते। माफ कीजिए पर आप मुझे नहीं निकाल सकते, मैं यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ को जवाब देता हूँ। जॉश फ्रीमैन को ना, वो भी मुझसे सहमत है। निकल जाओ यहाँ से। मेयर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ खतरा कितना बड़ा अगर है। तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर इतने केस लगाऊंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी केस को लड़ते लड़ते। सर देखिए आपको अंदाजा नहीं। नहीं ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अब सारी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। माइकल सुनिए सर, समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ लेकिन हमारे पास अभी बहुत कुछ करने के लिए। ठीक होगा,
अब हम लोग क्या करेंगे? मैं नहीं जानता। गेट को कॉल करो। मैं ये कॉल नहीं ले सकती, इसलिए मैसेज छोड़ दीजिए। केट, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, उस पागल मेयर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं अगली फ्लाइट से वहां पहुंच जाऊंगा। उम्मीद है कि तुम सब निकल चुके होगे। देखो, जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। वहां पहुंच के मुझे कॉल करना। आई लव यू। केट? माइकल, मैं विल बोल रहा हूँ। लैम्प्रीज डैम को तोड़कर इस तरफ आ गई है। हमें यहाँ आपकी जरूरत है। तुमने मेयर की बात सुनी ना? मैं कुछ नहीं कर सकता। माइकल, अगर शैलेवॉय झील संक्रमित हो गई तो सब मिशिगन झील में चली जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे सारे अमेरिका में फैल जाएंगी, इसलिए हमें इन्हें अभी रोकना होगा। अरे क्या मुसीबत है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। चैनल 6 न्यूज को कॉल करो। चैनल 6 स्टेशन न्यूज। मैं माइकल पार्कर बोल रहा हूं। मैं फिर से पत्रकारों से मिलना चाहता हूं। वाइल्ड लाइफ से माइकल पार्कर बोल रहा हूँ। लैम्प्रीज हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैल चुकी है। हमें शार्लोवॉय झील का इलाका खाली करवाना होगा। जिन लैम्प्रीज से हमारा सामना हो रहा है वो पहले की लैम्प्रीज से बड़ी हैं, ताकतवर हैं और कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। हमारी सलाह है कि आप ताजे पानी के सारे स्रोतों से दूर रहें। बोतले पानी और बहुत ही कम नमी वाली जमीन पर आसानी से आगे बढ़ सकती हैं। वो घरों के नलों में भी हो सकती हैं। वो पूरे इलाके के पानी के सभी स्रोतों में घुस चुकी हैं और जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं। ये लैम्प्रीज, ये भूखी हैं, ये गुस्सैल हैं और खतरनाक भी हैं। हमें ऐसा निकलना होगा तुरंत। किसी सुरक्षित जगह पर जाकर एक नई योजना बनानी होगी। ये बहुत सारी हैं। Marcy?
थानों में जाकर नुकसान की जांच करके आओ। ठीक है। केट को कॉल करो। मैं ये कॉल नहीं ले सकती, इसलिए मैसेज छोड़ दीजिए। ये भी रहा। निकोल को कॉल करो। हाय, मैं हूँ निकोल, ज्यादा जरूरी है तो मैसेज छोड़ दीजिए। बेटा निकोल, मैं डैड बोल रहा हूँ। तुम लोग फ्लाइट में हो ना, पहुंचते ही फोन करना। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, पर थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ये मैंने दूसरी बार कॉल किया इसे। शालावय झील के पूर्व के खेल के मैदानों में बहुत सारे लैम्प्रीज देखे गए हैं, सारे यूनिट सावधान हो जाएं। मॉर्सी को कॉल करो, उसे सावधान करो। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें लैम्प्रीज दिख रही हैं? हाँ, वो यहाँ सैकड़ों की तादाद में है। मार्सी, तुम्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। मार्सी निकलो वहाँ से, निकलो वहाँ से। मार्सी, रुको, रुक जाओ। विल रुको। अरे नहीं, मासी गाड़ी से बाहर निकलो। विल गाड़ी से बाहर निकलो, पीछे निकलो। निकलो बाहर, चलो चलो यहां से, चलो निकलो। जुएल, हम कुछ नहीं कर सकते थे। दुख हुआ, माफ करना। देखो, हमें शहर वापस जाना होगा और पानी के पाइपलाइन के नक्शे से पता लगाना होगा कि ये कहां जा रही हैं, ताकि हम इन्हें रोक सके। ठीक है, तुम ठीक हो? हिम्मत रखो। जाके देखता हूं कि मेरा परिवार ठीक है या नहीं। संभल कर जाना। मॉम! कायल, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। मॉम! क्या तुम बाथरूम में हो? मैं यहाँ हूँ, मैं ऊपर हूँ, मेरी मदद कीजिए। Ha ha ha!
पता नहीं कहाँ है। लिजा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ मॉम। उसने कहा था कि वो बीच पर जाना चाहता है। स्कूटर, वो उस डॉग से वहाँ बीच पर मिला था, चलिए वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं निकोल, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम नहीं जा सकती, वो बहुत खतरनाक जगह है। सब जगह लैंप नहीं है। नहीं, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी, यहाँ नाली या पानी के पाइप नहीं है। अपना ध्यान रखना। आई लव यू, आई लव यू टू। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। जाओ। मान ली। तो हम यहां क्या कर रहे हैं? देखो, हमें सारी लैम्प्रीज को एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि हम ताकत और बिजली के झटके से उन्हें खत्म कर सकें, पर उसके लिए शहर का नक्शा चाहिए। मुझे लगता है वो आकरमन के पास होगा। और अब तक तो वो शहर छोड़कर भाग चुका होगा। अरे नहीं, दरवाजा बंद है, मेरे ख्याल से हमें चलना नहीं, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा ऐसे मौकों के लिए कुछ रखता हूं। देखो। अरे वाह, ये सब चल क्या रहा है? यहाँ पर खून क्यों है? अरे नहीं, नक्शा ढूंढो। हाँ, वो यहाँ दराज में होना चाहिए। ये सारा खून बाथरूम से आ रहा है। मिल गया, नक्शा मिल गया मुझे। एकरमैन, एकरमैन, जल्दी दरवाजा बंद कीजिए। ये आवाज कैसी है? ओ, भागो, ये पाइप से आ रही है, हमें कुछ करना होगा। विल विल विल, ये लो। शुक्रिया। माइकल, माइकल, चलिए निकलते हैं यहाँ से, चलो। इसे निकालो। आप ठीक हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए चलते हैं, ऐसे निकलते हैं। तो अब हमें नक्शा मिल गया, तो अब हम उस नक्शे के साथ आखिर करेंगे क्या? हमें सार्वजनिक कार्यालय जाना होगा और वहां से पानी बंद करना होगा ताकि बाकी लैम्प्रीज को आने से रोक सके। सही कह रहे हैं, कोशिश करके देख सकते हैं। हाँ।
शहर के बीचों बीच की सूखी जमीन है, यकीन नहीं होता। चिंता हो रही है। वो तो है। चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना। ठीक हो? काहिल कहाँ है? पता नहीं, उसकी खून से सनी जैकेट मिली थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं कर दीजिए डैड, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। देखिए ऊपर काइल, मुझे लगता है वो काइल होगा। मैं आपको सुन सकता हूँ काइल। एक मिनट रुको केट, रुक जाओ। काइल काइल केट, नहीं 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 पीछे हटो केट, रुको रुको। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिक्र मत करो, हम उस तक पहुंच जाएंगे। मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो केट, मुझ पर भरोसा रखो। काइल हम आ रहे हैं। काइल तुम हमें सुन सकते हो? मैं सुन सकता हूँ, जल्दी कीजिए। काइल तुम्हारी गाड़ी में सीढ़ी है? नहीं। अगर गाड़ी ले आए तो काम बनेगा? वो इतनी ऊंची नहीं है। निकोल अंदर गोदाम में सीढ़ी है क्या? एलेक्स वो आता ही होगा, उसकी गाड़ी में एक सीढ़ी है। काइल पानी का नल बंद नहीं हो रहा, लगता है जाम हो गया है। हाँ।
वो शहर छोड़कर जा चुके हैं। तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मैं तुम्हें आने के लिए शुक्रिया। क्या तुम्हारी कार में सीढ़ी है? हाँ, वो मेरी गाड़ी के पीछे रखी है। बहुत अच्छे। क्या नाम है इसका? नाम एलेक्स। एलेक्स, जाओ पानी बंद करने में उसकी मदद करो। काइल को हम बचाते हैं। सुनो विल, तुम्हें मदद चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई पकड़ने का औजार है? हाँ हाँ, गाड़ी में जरूर कुछ होगा, रुको देता हूँ। देखते हैं इससे काम बनता है या नहीं। अपना हाथ अड़ाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं एक बार उसे खो चुकी हूँ। तुम निकोल का ख्याल रखो। ये लो। ठीक है, ध्यान से केट। कायल, मैं आ रही हूँ। माइकल, निकोल तुम्हारे पीछे लैम्प्रीज है। निकोल, एक मिनट कायल, मैं आ रही हूँ। रुको रुको रुको, मैं करता हूँ। दूर ले आओ, चलो इसे खींचो। ये फंस गया। मैं ये कांच तोड़ रही हूँ। मॉम, जल्दी मॉम! अरे वाह, हो गया, क्या बात है। क्या बात है, तुम ठीक तो हो? नहीं नहीं, इसे खींचना नहीं है, डैड ने बताया था। तुम ठीक हो? हाँ हाँ, ये ठीक है। अब हमें सीढ़ी से नीचे उतरना है, ठीक है? आ जाओ, चलो आराम से। कायल! नहीं! ध्यान से, ध्यान से। कायल, मेरे बेटे, तुम्हें देख के कितना अच्छा लग रहा है। तुमने डरा ही दिया था। तुम ठीक हो? मॉम, क्या हुआ? तुम चले क्या? संभल के, संभल के। शाबाश बेटे, चलो हमें निकलना चाहिए। चलो चलते हैं। चलो तो अब सबसे पहले चलकर हमें शहर का पानी बंद करना होगा, और उसके बाद क्या, क्या हम डैम पर वापस जाएंगे? मैं सोच रहा था कि पानी को हम क्यों ना अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और इन्हें एक जगह इकट्ठा करें, ऐसी जगह जहां काफी पानी हो। क्या हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं? नहीं, पहले मैं और विल तुम्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ेंगे। डैड, नहीं। बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पे तुम सुरक्षित होगे। वहां, हां देख रहे हैं, आसपास कोई पानी का पाइप नहीं है और वो जगह काफी ऊंचाई पर है। पानी नीचे की तरफ बहता है तो लैम्प्रीज के आने से पहले हम उन्हें देख सकते हैं। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। पीछे रहो, उसमें करंट है। चलो बिजली घर चलते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। ये यहां पर तो इस टन बोट की तरह होगा, बस झटका काफी बड़ा होगा। ठीक कहा। लेकिन हम सारी लैम्प्रीज को एक जगह पर कैसे इकट्ठा करेंगे? बायोसॉल्ट से। बायोसॉल्ट्स? जो ये अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपने लिवर से छोड़ते हैं। ये काम कर सकता है? बिल्कुल। ठीक है, तो सब सुनो, हमें मरे हुए लैम्प्रीज के लिवर निकालने होंगे। विल और मैं उससे जिंदा लैम्प्रीज को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे बिजली घर की ओर, जहां हम उन्हें बिजली के झटकों से मार देंगे। हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे भी मदद करनी है। हमें भी। बिल्कुल, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। चलो काम पर लग जाए। देखो वो ऐसा दिखता है।
इन्हें अपने पास रखो, इससे जिंदा लैम्प्रीज कुछ देर तक तुमसे दूर रहेंगे। चलो, शाबाश। चलो सब गाड़ी में बैठ जाओ। वो आकर्षित हो रहे हैं, ये काम कर रहा है। चलो ठीक है, निकलते हैं यहां से। चलो चलो जल्दी करो। ये है वो बिजली घर। ठीक है, यहां बिजली घर के नीचे एक बड़ा पानी का स्रोत है। हम सारे लैम्प्रीज को यहीं इकट्ठा चाहते हैं। तुम लोग उधर जाओ, तुम मेरे साथ आओ। तुम जाओ और स्विच ढूंढो, हम लैम्प्रीज को आकर्षित करने के लिए लिवर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत अंधेरा है, कैसे पता कि वो नीचे हैं या नहीं? एक मिनट एक मिनट, वो नीचे हैं। अंदर चलते हैं। पिछड़ो पिछड़ो पिछड़ो, तुम लोग ठीक हो? हाँ, बस कुछ लैम्प्रीज है। अलग वो मशीन लेकर आओ। लिवर नीचे फेंको। तुम यहां देखो, मैं वहां संभालती। ठीक है। अलग तुम लोग यही रुको। पिछड़ो पिछड़ो, इससे काम नहीं बनेगा, हमें और लेबर्स चाहिए। सुनो, मैं नीचे जाकर कुछ लैम्प्रीज को मारकर उनके लीवर लेकर आता हूँ, शायद काम बन जाए। नहीं नहीं, इसमें बहुत खतरा है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोला ना खतरनाक है, नहीं कर सकते। तो मैं यहीं रुकता हूँ, यहाँ नजर रखता हूँ। आप जाइए अपने परिवार के पास। ठीक है ठीक है, मैं अभी आता हूँ, मैं वापिस आऊंगा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। निकल, शांत हो। हमें और लेबर्स चाहिए। विल कहाँ है? अरे नहीं, बच्चों को लेकर जाओ और मेन स्विच ढूंढो। चलो अंदर चलते हैं। विल, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं थी, यहां से बाहर निकलो। माइकल जाओ, माइकल तुम ऊपर जाओ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। जाकर अपने परिवार को देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी मेरे दुनिया में कोई नहीं है। जाओ, मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है। तुम जाओ यहां से। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। बेवकूफ मत बनो, तुम जाओ। मैं बच्चा नहीं हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा कोई भी नहीं है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं खुद को संभाल सकता हूँ। तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। सुन रहे हो मेरी बात? चलो चलो चलो, जाओ तो, मैं कह रहा हूँ जा, निकल जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो, चलो। तुम जल्दी से ऊपर जाओ, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ लिवर लेकर आता हूँ। आ जाओ ताकि हम शहर को बचा सके। आ जाओ। Well,
मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं क्यों मत करो? तुम जाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं। काय नहीं, जाओ तुम यहाँ से। जाओ यहाँ से। इसमें से कौन सा स्विच चालू करना है? कायल अपने मैप में चेक करो। कायल स्विच चालू करो अभी। शायद यही वाला। कोशिश करके देखो। चालू करो, चालू करो। अच्छा किया एलेक्स, इधर आ। शार्ला व्हाइट झील में लैम्प्रीज की आबादी खत्म कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि अब सब लोग अपने घर वापस आ सकते हैं। शहर की सफाई का काम जारी है। फिलहाल हालात सामान्य होने में अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। सुनो, तुमने एलेक्स को बाय कहा कि नहीं? हाँ। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैंने अपनी सलाह दे दी है, खतरा टल गया है, चिंता मत करो। जितनी जल्दी यहाँ से चले उतना। इधर आओ। हाँ सही कहा, निकलते हैं। चलो तो ठीक है, चलते हैं। चलो जल्दी, इन्हें छोड़कर जाना है। हाँ, ये कोई और ले लेगा। चलो निकलते हैं। निकलो यहां से, चलो कहां ना, निकलो यहां से, चलो निकलो यहां से। मैंने कहा ना भाग यहां से। कार रोकिए, कार रोकिए, ये स्कूटर है। ओ, स्कूटर। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, कैसे हो? पूछ बुझा के, पूछ बुझा के। This movie is encoded by Dr. Star.